दिस इज दान यो कॉलिंग मी। सो आज का टॉपिक मैं बात करता हूँ एनिमल्स के बारे में, यानी कि जानवर के बारे में और मिल्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता ही कि इंडिया में 75% से ज़्यादा भी गायों के लेके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी किससे गायों का को पता ही आपको, गायों और मिल्क के लेके, मिल्क के बारे में आप लोग को पता ही। अभी जो शहरों में आप लोग को मिल्क वगैरह तो मिलते ही हैं, मिल्क पैकेट, मिल्क का जो पैकेट होता है जो 20-22 रुपये का दाम होता है, जो 22-23 रुपये का होता है, तो आपको शहरों में तो बाई पैकेट ही मिलेगा आप लोगों को। तो थोड़ी गाय का दूध, देसी घी वाला अच्छा दूध फ्रेश आपको प्रोवाइड मिलेगा थोड़ी आप लोगों को शहर में। तो भाई शहर है भाई, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, कहीं भी हो गया, आपको पैकेट ही दूध मिलेगा। क्योंकि दूध वाला गाय, देसी वाला आपको मिलने वाला तो नहीं है, आप लोग के नसीब में तो नहीं है। ठीक है, गाँव वाला थोड़ी आपको दूध आपको मिलने वाला तो कोई पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब बताता हूँ ये पैकेट वाला दूध में क्या फंडा है। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए, आप अमूल का खरीदें, कोई ब्रांड का खरीदें, ठीक है, ब्रांड वाले जो दूध होते हैं, मानता हूँ कि ये दूध वाले इसमें पीने में तो अच्छे तो होते नहीं है। मैं एक क्लियर कट बता दूँ, पीने में क्या मतलब कुछ होते नहीं, क्योंकि पाउडर वगैरह इसमें कुछ स्मेल रहता ही इसमें कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, और कब का पुराना भी रहता दूध, मतलब डेट लिखा रहता है कि इसमें आपको 10 दिन तक यूज़ कर सकते दूध को, 10 या 5 दिन तक जो भी है। ठीक है, तो भी वो आपका दूध फायदेमंद तो रहता नहीं। ठीक है, विटामिन के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले। और सिर्फ अब चाय वगैरह बना ली तो ठीक है, मगर आप उसको पीने लायक इसको जो है ना, एक गिलास जैसे दूध पी लिया आपको, रात को पी के सो गए, मतलब आपको फिर सुबह में आपको एनर्जी जितनी फिट रखता है बॉडी को, वैसा दूध में उसमें आपको देगा तो नहीं। क्योंकि देखिए फैक्ट्री में जो दूध बनते हैं जो वगैरह, उसमें से सब कुछ निकाल लेते हैं कैल्शियम वगैरह, सबसे पहले उसमें जो मलाई वगैरह, मलाई तो आपको उसमें दूध में आने वाली नहीं कभी, पैकेट वाली दूध में, और घी तो कभी बनेगा भी नहीं उससे, दूध से घी वगैरह कुछ नहीं, खाली आप चाय बनाइए और पी जाइए बस घोल के। तो उसको बच्चों को तो कभी देना ही नहीं, उसे पैकेट वाला दूध पिलाना ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर खुद ही बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर वगैरह जितने बड़े बड़े शहर में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि भाई बच्चों को उसको जब बच्चे जो दो एक साल दो एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि इन्हें गाय का दूध यानी कि देसी वाला दूध पिलाओ। क्यों बोलते भाई, वो बोलते तो लोग बोलते कि आप इन्हें पैकेट वाला दूध पिला सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी पता है कि पैकेट में डिफॉल्ट है। ठीक है, ये किस कंपनी में क्या होता है प्रॉफिट वगैरह होता ही है। अब मालिक, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, अमूल कंपनी का, ठीक है, तो मैं तो प्रॉफिट ही देखूंगा ना, अपने एम्प्लॉय लोगों को कैसे खिलाऊंगा, कैसे उनको करूंगा। तो दूध में कोई मुझे कुछ भी दो नंबर ही भी करना पड़ा तो करना करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसी तरह दूध में कुछ भी गड़बड़ी हो, मिलावट हो, कुछ भी हो, कंपनी में थोड़ी आप लोग, अगर कंपनी में कोई बंदा कोई केस भी करे दूध में ये है कुछ ये, कंपनी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी कि मैं दूध में कुछ गड़बड़ी करता हूँ। अगर वो कर लेगी तो उसकी कंपनी में थप्पा लग जाएगा ना इस टाइम। ठीक है, तो हर कंट्री में जितनी भी कंपनियां ब्रांड है जितनी भी, अगर कुछ भी करती भी है तो वो छुप छुपा के, वो भी एक सावधानी से करती है तब जाके। मान लो पहले कुछ दिन पहले नेगी पर केस चला था, कुछ मीट वगैरह उस चीज़ से बनता है नेगी वगैरह। ठीक है, चलो किया भी, ठीक है, लास्ट में केस भी हुआ, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में नेगी कंपनी जीत गई, कुछ किसी तरह रफा दफा किया केस को कैसे कैसे। अब चलो उन लोगों ने भी किया भी, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, नेगी कंपनी हो गया, कोई ब्रेड वगैरह कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें खाने में तो ठीक होती है, टेस्टी होती है, सब कुछ हेल्दी तो नहीं होती, क्योंकि ये हेल्दी तो होती ही नहीं, क्योंकि समझ सकते हैं ना प्रोडक्ट वगैरह, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बना है, हम जैसे आम इंसान लोग को चूज़ के निचोड़ के खाने के। अब बस हॉस्पिटल, अगर आदमी मिल्क से वगैरह कुछ बीमार पड़ भी गया तो हॉस्पिटल तो पड़ा ही है, उसमें आदमी जाएगा मरीज वगैरह में, लेटर हो और अपना हॉस्पिटल का खर्चा दो अपना। ठीक है, अब कंपनी में तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट होना ही, देखो अभी जितने भी इंडिया में जितने भी शहर इतने बढ़ने हैं, जितने की अब शहर तो देखे ही हैं, कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी खड़ी बिल्डिंग वगैरह मैंने देखी। ठीक है, शहरों में जितनी सबसे ज़्यादा मैंने देखे हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा 95% हॉस्पिटल ही है, नया नया हॉस्पिटल मुझे देखने को मिल रहा है जितने की। ठीक है, आजकल इंसान के इतना रोग क्यों हो रहा है, इतना बीमारियाँ क्यों हो रही, आप लोगों को पता ही क्यों हो रही है, हम लोग के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज़ पी रहे हैं जो ख़राब चीज़ होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, केमिकल, इससे हर चीज़ें खाने की, बाहर की सामान, ये सब घर की चीज़ें नहीं खाते हैं, उस कारण हमारे शरीर में रोग आता है, बीमारियां फैलती हैं और हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, और आदमी तो सुधरेगा नहीं, वो तो बाहर की चीज़ें ही खाना पसंद करेगा। ठीक है, और मिल्क, मिल्क सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप लोगों को मिल्क तो पीना चाहिए, कम से एक गिलास तो पीना चाहिए, मैं पीता हूँ मिल्क वगैरह, गाय का देसी बंदा हूँ तो गाँव में रहता हूँ, देसी पीता हूँ जो भी हो, तो मुझे अच्छा लगता है गाँव में रहना। अब भाई शहर मुझे अजीब लगता है, शहर ये सब कोलकाता, बड़ा मुंबई, जो भी मुझे बेकार लगता है शहर वगैरह, यहीं पर रह के कुछ अपना छोटा मोटा काम, अपना आराम से रहना बस मुझे पसंद है, देसी लौंडा देसी तरीके से रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बात की बात बता रहा हूँ, तो जितने भी गायें वगैरह सब मर रही हैं, चाहे उनके क्या करते हैं, उनके क्या बताते खाल वगैरह, बेल्ट वगैरह कुछ भी, उनको एनिमल का किल करके, एनिमल को किल करके क्या बनता है उसका, कुछ भी बनाना,
प्योर लेदर वगैरह की चीज़ें, बेल्ट वगैरह कुछ भी उनका प्योर सामान बनाना, ठीक है, चमड़ों से, ठीक है, और चाहे तो गायों को उनका मांस निकाल के उनको कोई खा जाता है, ठीक है, जो भी है। तो ये बकरियाँ वगैरह खाती तो चलो थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मगर गायें तो वो हमारी माँ है, भगवान है, उन्हीं को खा जाता ना कैसे ख़राब लगता है। और जैसे जैसे गायें कम ही हो रही है हमारे इंडिया में, तो क्या होगा पता है, जितनी फैक्ट्री में जितनी गायें हैं ना उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और उनका दूध वगैरह हम लोग को लेना पड़ेगा, और उससे बीमारी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल चल जाएंगे, हॉस्पिटल वाला का प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम दवाइयों को भी इनका ट्रिपल प्रॉफिट। तो ये तो अभी तो इंडिया में यही चल रहा है, हमारे जो देश में चल रहा है खाली एक प्रॉफिट के बल पे चल रहा है। अगर मैं सोचूं तो एक मोबाइल भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग का हाथ में मोबाइल वगैरह है, व्हाट्सअप ट्विटर वगैरह, हम लोग रात भर आँख फाड़ फाड़ के टाइप करते हैं, सब कुछ करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, हमारे आँखें भी ख़राब होती, मैं भी करता हूँ रात वगैरह, तो मैंने थोड़े बहुत कम करने की कोशिश किया तो कम कर रहा हूँ, ठीक है, आँखें रात को लाल हो जाती हैं आपकी, चैट वगैरह करते 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 मज़ा आने लगता है चैट करने में, जो भी आप एक दूसरे से बातें कर लो सामने में नहीं, मगर आप लोग को बस ये ऑनलाइन की सोशल नेटवर्क में चैटिंग करने में मज़ा आता है। इससे क्या होता है आपकी बीमारी और पड़ती है, सर दर्द बढ़ता है, आँखों में आते हैं झुलरियाँ, आँखों में झुलरियाँ भी आ जाते हैं, और चश्मा लगने ज़्यादा चांस होता है, चश्मा लग भी जाएगा बताना जो भी है, तो हॉस्पिटल का और प्रॉफिट हो जाता है। तो आजकल हर चीज़ से आपको बीमारियाँ तो होती है, मगर जैसे कि आप सोच रहे होंगे मोबाइल से भी कैसे बीमारियाँ हो सकती है यार, आदमी खाना नहीं खाता ठीक से, कुछ नहीं करता, उससे भी बीमारियाँ फैलती। मोबाइल से मैं बोल रहा नहीं कि आप यूज़ ना करें, करें पढ़ाई से लेकर स्टडी से लेकर, मगर आदमी लोग सिर्फ 40% मोबाइल का सही प्रयोग करते हैं, 60% बेकार काम के लिए, पबजी खेल लेते हैं जाए तो कुछ फालतू मूवी वगैरह लोड करके देख लेते हैं, चलो मूवी एक आध दो देख भी लिया ठीक है, मगर कोई ज़्यादा देर मूवी में बैठ जाते हैं, ठीक है, आप लोग उस मोबाइल से सब चीज़ कर सकते हैं, अपने लेक्चर वगैरह स्कूल की कुछ पढ़ाई वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं, अपने फ़ोटो खींच के अपने किसी किताब की खींच ली अपने उसको फ़ोटो को फिर देखते रहें, ठीक है, मगर कोई आजकल लोग क्या करते हैं मोबाइल के दुरुपयोग करते हैं, किसी के लड़की का वीडियो बना लिया, किसी का MMA बना लिया, किसी का गंदी फ़ोटो खींच ली, ये सब फालतू काम के लिए ज़्यादा यूज़ करने पसंद करते हैं, समझ रहे हैं, और ज़्यादा मोबाइल बिकता भी उस तरीके से, मोबाइल को मतलब पता नहीं इस तरीके से यूज़ करते हैं आदमी लोग फालतू काम के लिए कि उसको ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी ये क्वालिटी 48 मेगापिक्सल जूमिंग कैमरा, इतना जूमिंग कैमरा क्यों बना रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जूम करके किसी की किसी फ़ोटो निकालनी है कि किसी इमेज में लगाना है क्या, 13 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल भी ठीक है, 48 64 वहाँ से दूर से शॉट ले लो साले, ये तो कोई बात लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है, कैमरा इस तरह बनाओ कि जैसा कि 5 भी हो 13 भी हो सामने से आदमी को दिखाई भी दे क्लियर, अच्छा तक फोटो को दिखाई दे, ठीक है, जूमिंग मोड क्या ऐसे बना रहे हो कि उसका कुछ होता है, ठीक है, ये बात भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कैमरा आजकल तो आपको पता ही है, बस मैं चीज़ें ही बताना चाह रहा हूँ सिंपल तरीके से कि चीज़ों हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो उनका सही प्रयोग करें, बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में बताया हूँ, और ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग जितने भी आप लोग यूज़र है बंदे सब आपके टीम में जाना सबकी ये खून तो जवानी जब छाड़ती है तो हमें कुछ दिखता नहीं, ठीक है, और आजकल जब भी कोई लड़की पर अत्याचार होता है किसी का साथ कुछ हो जाता है, दिल्ली में भी हो जाता है, 2010 में किसी के साथ दिल्ली में 4 लड़के मिलके किसी लड़की के साथ कुछ कर दिया, ठीक है, आवाज़ उठाई ये हुआ है जो भी हुआ, ठीक है, किसी लड़की पर हुआ तो अत्याचार, ठीक है, मगर जानवर पर किसी पर तो बेचारा बोल नहीं सकता, उसको जान से मार दो ख़त्म कर दो, ठीक है, कुछ भी होता है तो यही होता है, इंसान के क्या कोई जान के क्या कट जाए ना कट जाए तो इंसान चिल्लाने लगता है, ये होने लगता है, और किसी लड़की पर हो जाता है सोशल नेटवर्क हो जाता है तब तो इंसान चिल्लाने लगता है, ठीक है, मगर जब लड़की से खुद कुछ गलती हो जाती है, मान लीजिए अपना वीडियो वगैरह किसी कोई दोस्त आपको बोला कि मुझे टावल में देखना तुम्हारा फोटो देखना है, बिना टावल का तुम्हारा फोटो वगैरह देखना है, तो लड़की भेज देती है क्योंकि उसको अपना ट्रस्ट करने लगता है, जितना भी ट्रस्ट हो अपनी पर्सनल फ़ोटो वगैरह भी ना डालें भेजिए भी ना किसी दोस्त को, ठीक है, ये बताना ये सब क्या है? और कुछ ऐसे आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियो वगैरह बहुत वायरल हो रहा है कि इंस्टाग्राम में कुछ फ़नी वीडियो बना रहे, फ़नी वीडियो की मतलब क्या है, एक तो मैंने फ़नी वीडियो देखा इंस्टाग्राम में कि ये दिखाया कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही, ठीक है, इसका फ्रेंड मैसेज किया कि मुझे तुम्हारा टावल वाला फ़ोटो देखना, ठीक है, फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारा बिना टावल वाला फ़ोटो देना, तो पापा को गलती से फ़ोटो चला जाता है, पापा उसका जो लड़की के फादर है उनके पास फ़ोटो चल जाता है, फिर बेटे के पापा सॉरी लड़की के पापा के पास चल जाता है, फिर उनके पापा आता है फिर बोलता है, फिर बेटी से पूछता है कि तुमने ये फ़ोटो क्या है, ये फ़ोटो बिना टावल फिर टावल वाला, तो वो बोलता है मेरे दोस्त को मैं भेजना था, ठीक है,
उसको ताना वगैरह मारते हैं, ठीक है, फिर नीचे फनी फनी कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फनी टाइप का, उसमें हंसने के कुछ भी आ जाने लगता है, ठीक है। फिर पापा अपनी उसकी पापा उनकी उनकी कोई वाइफ होती है तो उनको फोटो भेजते कि दिखा तुम्हारी अभी अभी तुम्हारी माँ को मैं फोटो दिखाता हूँ, ये तुम्हारी माँ को फोटो दिखाता हूँ, तो गलती से ग्रुप में मैसेज चला जाता है, ठीक है। फिर कुछ ये सब हंसी टाइप में सोशल, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्क में किसी की फ़ोटो के साथ खिलवाड़ करना, किसी की इस टाइप की वीडियो बनाना कि ये देखो दोस्त से वीडियो वगैरह, तो ये क्या मतलब, बस इस टाइप की वीडियोस। अरे यार मैं मोबाइल्स को मैं खिलाफ नहीं हूँ, बस उसको सही प्रयोग करो ना यार, मैं तुम लोगों को कहाँ रोक रहा हूँ, अच्छी तरीके से कम यूज़ करो, अच्छा यूज़ करो, अपना फ्यूचर बनाने की सोचो यार, सबसे बड़ा पॉइंट ही बता रहा हूँ, फ्यूचर बनाओ, अपनी कॉलेज से लेके जॉब ये सब की चीज़ें देखो, नॉलेज की चीज़ देखो। देखो मैं मानता हूँ मैंने भी बहुत फालतू काम किए थे, गेम वगैरह खेला था वगैरह, अभी मैं अपने यूट्यूब में भी ध्यान दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब मुझे पता है सर मेरे कोई बंदा ये वीडियो कोई देखेगा नहीं, मुझे वो लोग वो वीडियो देखना चाहेंगे जैसे कि पावर बैंक मोबाइल्स की गैजेट वगैरह वो देखना चाहेंगे। मैंने ऐसे ही कोई वीडियो बनाया, कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा व्यू भी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे ही बनाया, बस मन किया बना दिया, क्योंकि जानवर वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं, गाय बकरियों को देखना अच्छा लगता है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जीवन में जब भी हो कभी गाँव जाना और देसी घी और देसी दूध तो ज़रूर पीना, शहर में आपको वो सब तो नसीब नहीं होगा, क्योंकि पैकेट तो जहर है ही। तो बस इतना ही कि जानवरों को किल होने से बचाने से रोकिए, और ये मेरा वीडियो को वायरल करने की सोचो, अच्छा लगे लाइक करें, दिल से बाय बाय।